अगर दुनिया में 100 लोग होंगे ना, तो सिर्फ 2 लोग समझते होंगे कि धर्म का मतलब क्या है। इसीलिए जब कोई वास्तविक धर्म की बात करता है तो बाकी लोग उससे बहुत नाराज हो जाते हैं। अरे तुम हजरत मोहम्मद को देखो, ताइफ में कोई आदमी तुम्हारे मोहल्ले में आया है, तुम बस सोच के देखो, कोई आदमी तुम्हारे मोहल्ले में आया है वगैरह, भैया शांति से रहो, भाईचारे से रहो, उसको मारोगे? लेकिन लोगों ने मारा। इस पे ध्यान दो, जीसस क्राइस्ट ने कहा कि मैं भगवान का बेटा हूं। उनको लोग पागल भी तो मान सकते थे, लेकिन कोई बात रही होगी तब लोगों ने मारा। भाई कोई तुम्हारे मोहल्ले में आके ये कहते कि दूसरे की संपत्ति लूट लो, दूसरों की बहन बेटी के साथ बदतमीजी करो, तब तुम उसे मार रहे हो तो बात समझ में आ रहा है। जो तुम्हें अच्छी बात सिखा रहा है, थ्योरेटिकली तुमसे बातें की जा रही, कोई फर्क नहीं है, पंडित मौलाना पुरोहित पादरी, ये तुमसे थ्योरेटिकली कोई चीज बता रहे हैं, ये तुम्हें बाहर से धार्मिक बना रहे हैं, बाहर से चंदन लगा लिए, दाढ़ी बढ़ा लिए, ये सब बाहर से। आज जो हिंदू है ये बाहर से हिंदू है ज्यादातर, औकात है विष पी ले। जो बाहर मुसलमान है आज, ये बाहर से मुसलमान है, इनके अपने घर में लोगों को नहीं पूछते खाना खाएगी नहीं। मोहम्मद साहब कहते तुम्हारे घर के 13 घर इस तरफ, 13 घर इस तरफ, 13 घर इस तरफ, 13 घर इस तरफ, कोई भूखा ना सोए, ये मानते हैं? इनके खुद के घर में लोग भूखा सो रहे हैं। भाई कोई परेशानी है, आपने उसकी परेशानी में अपनी भूमिका निभा दी, आप उसके लिए भगवान ही हो गए। किसी को आपने मुसीबत से निकाला, आप उसके लिए भगवान नहीं हुए? जो तुम्हारे गरीब रिश्तेदार हैं उनको तुम नहीं पूछते, जो तुमसे अमीर रिश्तेदार है वो तुमको नहीं पूछते, यही तो चल रहा है। पहले भीख मांगते तो मंत्री है, अब देखो हम नहीं जानते क्या, सब जानते हैं इनके बारे। तो तुम भी तो घमंडी हो, तुम कौन सा अपने नीचे वाले को एंटरटेन करते हो, और सब यही करते हैं। तुम कभी किसी रिक्शे वाले गले मिले हो, उसके साथ बैठे हो, लेकिन भगवान राम केवट ने नदी पार कराई, गले मिले, बैठे उसके साथ, तो चाहते हो तुमसे कोई पैसा ही ना ले? उनके पास नहीं है, बीवी की अंगूठी उतार कर दे। तुम अगर भगवान हो तो 1 रुपया किसी को ना दो, भगवान है हो गया जाओ। भाई शंकर जी ने मकान बनवाया, गृह प्रवेश किया, तो रावण के पिता को बुलाया पूजा कराने के लिए, बड़े सारे लोग हैं, अच्छे पदों पे बैठे, कोई मिलने आए, अरे खाली हाथ चले जाओ, 4 गुटखा ले आओ बाहर से, तुलसी लिया ना, उनको शर्म नहीं आती, इतने बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं वो। 1970 में ड्रामा देखने का एक ही रास्ता था, पिक्चर हॉल। 1970 में पिक्चर हॉल जाने पे लोग शर्माते थे, बड़ा बुरा माना जाता था, कभी कदार कोई मूवी देखने जाता था, और जाता भी था तो गमछा वमछा चद्दर उद्दर लपेट गया था, घर वाले तो बहुत मारते थे अगर मूवी देखकर पकड़ ले तो। आज से ठीक 5 साल बाद तुम देखना, गारंटी आधी जनसंख्या इस देश की पागल होगी, और उसको साथ रहने के लिए हमें भी बनना पड़ेगा। पागलों के साथ तुम बिना पागल हुए नहीं रह सकते। तो धर्म जो है वो व्यक्ति को परिवर्तन करने की बात करता है, और ये वास्तविक जीवन नहीं है, तो तुम्हें साधना करनी पड़ेगी। हर धर्म यही कहता, हर धर्म खुद को बदलने के लिए तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा कोई धर्म ही नहीं जो ये ना कहता हो। अब ये बात जिसको समझ में आ गई वो महान हो गया, तो मतलब ही नहीं, उसके मन में किसी के लिए द्वेष ही नहीं। धर्म में अंतर कहां है? कल्चर को लेकर। पर 2 सन्यासी शाम के वक्त आश्रम वापस लौट रहे थे, तो शहर और आश्रम के बीच में एक नदी थी। जब दोनों नदी में पहुंचे तो वहां एक स्त्री बैठी हुई, तो उस स्त्री ने उन दोनों सन्यासियों से कहा कि हमको भी नदी पार करा दीजिए। तो उसमें एक बुजुर्ग सन्यासी था, एक जवान था। बुजुर्ग सन्यासी ने सोचा तो मदद कर दूं, फिर कहा नहीं, मैं स्त्री को छू लूं तो कहीं मेरा ब्रह्मचर्य ना भंग हो जाए। जब वो बीच नदी में पहुंचा तो जो यंग सन्यासी था उसने स्त्री को अपने कंधे में बिठा रखा, उस
उसने स्त्री को वहीं उतार दिया नदी के किनारे। दोनों फिर आश्रम की तरफ बढ़े। जब आश्रम के दरवाजे में पहुंचे तो उस बुजुर्ग सन्यासी ने उस यंग सन्यासी से कहा कि गुरु जी से शिकायत करूंगा, आज तुमको निकलवा दूंगा आश्रम से। क्यों? हाँ, तुमने एक लड़की को अपने कंधे बिठाया है। अरे, उसने कहा, गुरु जी मैं तो नदी के किनारे उतार आया, आप तो अभी बैठाए हो।